प्राचीन रामाकृष्णा मंदिर, आश्रम, डिफेंस क्षेत्र बीड पुआद गांव मुन्ना के इतिहास के बारे में मुख्य सेवादार संत त्रिभुवन दास जी से दलजीत अजनोहा की ओर से को गई विशेष बातचीत। मुख्य सेवादार हैं, पुजारी हैं, जो भी ये यहाँ पे मुख्य हैं, इन्होंने इस आश्रम के बारे में, इस मंदिर के बारे में, स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी जी के बारे में और यहाँ पे स्थापित अलग अलग मूर्तियों उनके बारे में, इतिहास के बारे में और उनकी प्राचीनता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। हम प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक, अवाम तक इनकी बात की पहुँचाएँ। जी बात एक और हम कहना चाहते हैं जी, पूरे भारत समाज के जी, युवा पीढ़ी के जो संत जी, जो पूरे भारत समाज के युवा पीढ़ी के जो महापुरुष बन रहे हैं, भेषधारी हैं, उन्हें इस प्राचीन कल्चर को अपनाना चाहिए जी। जैसे कुटिया हैं, अपने आश्रम में एक मिट्टी की कुटिया अवश्य बनाएं, हवन को नवस बनाएं, एसी जरूरी है शरीर के लिए, सब कुछ जरूरी है, लेकिन युवा पीढ़ी के संत इस परंपरा में चले, इस परंपरा को जरूर अडॉप्ट करें, पर्यावरण भी शुद्ध रहता है और साथ में अपनी ये हमारी बार बार मीडिया के द्वारा देनी थी। सो दोस्तों, ये भी स्वामी त्रिभुवन दास जी ने बहुत बढ़िया बताया, क्योंकि आज के युग में बहुत से युवा लोग हैं जो संत महापुरुष अपने अपने जो उनके गुरु जी हैं उनके संपर्क में आकर वो अपना धर्म जो किसी भी तरह को अडॉप्ट करते हैं, उनको भी चाहिए जहाँ भी उनका मंदिर हो, आश्रम हो, वहीं पर वो अपना एक यज्ञशाला या अपना हवन, जब जो भी जरूरत हो वो, और सबसे बड़ी मिट्टी का जो अपना जरूर बनाए, ताकि जो सनातन में जरूरी चीजें हैं वो उस मंदिर में जरूर प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे, जो संगत आए उसको लगे कि हम किसी मंदिर में ही आए हैं। होशियारपुर से दलजीत अजनोहा की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी।